कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर भवती नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, असनातन देश के भक्तवृंद, सबका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत छठे स्कंद के आठवें अध्याय में भगवान नरसिंहदेव को प्रहलाद के रक्षा के उपरांत हिरण्यकश्यपु वयम् विभूते नटनाट्य गायका ये नात्मार वीर्य बलौ जसा कीर्तः कृताः स एष नीतो भवता दशामिमां किम उत्पथस्थ कुशलाय कल्पते। गंधर्व कहते हैं हम अवयम, वयम का मतलब हम, विभु हे महान भगवान, ते आपके नट नाट्य गायका, आपके लिए नृत्य करना, आपके लिए अभिनय करना, आपके लिए गाना, ये हमारी सेवा है। ये नाथ ये न आत्मसाद वीर्य बल औत्सकता स एष, इस हिरण्यकशिपु ने बलात् अपने शक्ति के कारण, शारीरिक शक्ति के कारण, बल के कारण, ओज के कारण, प्रभाव के कारण हमको आपकी सेवा से वंचित कर दिया और कहने लगे नाचो। स एष नीतो, उस हिरण्यकश को आपने स एष नीतो हरे कृष्णा तुलसी महारानी। थैंक यू। हरे कृष्णा। गंधर्व लोक के रहवास निवासी कहने लगे भगवान, हे महान भगवान, हम तो आपकी नृत्य नाट्य और गायन की सेवा में है, परंतु इस हिरण्यकशिपु ने अपने बल के, अपने वीरज के, अपने प्रभाव से हमारे को अपने बस में कर लिया और अपने लिए गाने नाचने के लिए कहता था। अच्छा हुआ कि आपने अब इसको इस स्थिति में, इस दशा में लाए हैं। वो ऐसे भी ऐसे व्यक्तियों के कामों से किसका भला होता है। हिरण्यकश्यप जैसे लोग संसार में तो दुख का ही कारण है। हम तो भगवान आपके नट नाट्य गायक हैं। आपने इस असुर का वध किया, बहुत अच्छा किया। इन्होंने, इसने अपने बल से, वीरज से, अपने प्रभाव से हमको अपने वश में कर लिया था और हमको कह रहा था हमारे लिए गाओ नाचो। वैसे ऐसे लोगों से क्या लाभ है संसार को, अच्छा किया इन्होंने हमको अपने वश में कर लिया था, इसी के लिए हमको गाना पड़ता था, नाचना पड़ता था।
प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भाव है कि कोई भगवान का आज्ञाकारी सेवक बन जाए तो उसके अंदर अति बल, शारीरिक शक्ति, प्रभाव और उसके अंदर प्रतिभा भी आ जाती है, तेज भी आ जाता है। परंतु असुर चाहे कितना भी बल अपना एकत्र कर ले, इकट्ठा कर ले, जैसे हिरण्यकश्यपु ने किया, थोड़े समय के लिए हो सकता है उनके शक्ति का प्रभाव रहे, परंतु भगवान के जो आज्ञाकारी सेवक हैं, जैसे देवता हैं, वो सदा ही शक्तिशाली रहते हैं। अंतिम विजय तो भक्तों की ही होती है, वो हिरण्यकश्यपु के प्रभाव के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके भगवान की कृपा से। तो इसमें मुख्य बात यह है कि भक्तों के अंदर भगवान की कृपा से सभी सामर्थ्य होता है। थोड़े समय के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति उनके भक्तों की सेवा में बाधा भी डाले, भक्त अगर अपनी सेवा में लगे रहें तो भक्त हमेशा सदा के लिए विजयी होंगे, और थोड़े समय के लिए प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति का अंत हो जाएगा भगवान की कृपा से। ये इसका भाव है। अब चारण बोल रहे हैं। श्री चारणाऊचुः हरे तवांग पंकजम भवाप वर्ग आश्रिताः यदेश साधुहिरस्यः तवासुरः समापितः। यदेश साधुहिरस्यः, साधुओं के हृदय में जहाँ भगवान आपकी जगह होनी चाहिए, वहाँ इसने उनमें ये कांटा बन चुका था, वहाँ ये सो रहा था, और अच्छा किया आपने इसको समाप्त किया। हरे तवांगनी पंकज, भगवान आपके चरण कमलों के भव भवा, हम तो आपके चरण कमलों के सेवक हैं, आप के चरण कमलों का हमने आश्रय लिया है, क्योंकि ये तो संसार के भव सागर से पार करने वाले हैं। तो चारण क्या कह रहे हैं, चारण चारण कह रहे हैं, भगवान आपने हिरण्यकश्यपु का वध किया, वो तो भक्त जो है, ईमानदार जो लोग हैं, जो सात्विक हैं, उनके हृदय का कांटा था, अब ये दुख दूर हुआ, हम आपका नित्य शरण लेते हैं, आपके चरण कमलों का लेते हैं, जो भौतिक जगत के से सबको मुक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप क्लास है, थोड़ी देर के बाद रख दीजिए। हरे कृष्णा। चाचा मंदिर 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 देखा मंदिर चाचा मंदिर। हरे कृष्णा। चांद लोक के निवासी भगवान को कहते हैं, क्योंकि आपने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, ये भक्तों के हृदय में आपकी जगह को हटाकर स्वयं उसमें शयन कर रहा था, हम आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं, जो भौतिक जगत से मुक्ति का कारण है। श्री प्रभुपाद लिखते, भगवान नरहरि के रूप में, नरसिंह देव के रूप में सदा ही असुरों के वध के लिए तैयार है। कब? जब ऐसे असुर भक्तों के मन और हृदय, जो श्रद्धावान भक्त है, विश्वास के ईमानदार भक्त है, उनके मन में विचलता पैदा करते हैं, हृदय को विदीर्ण करते हैं असुर, तो उनका संहार करने के लिए नरसिंहदेव सदा तैयार है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते मेरे को रोज ये विचार आता है, पढ़ते पढ़ाते,
कि जहाँ जहाँ प्रभुपाद ने जिस तात्पर्य में कृष्ण भावना के उद्देश्य का वर्णन किया है उन सबको इकट्ठा करना चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक में आ रहा है कि कृष्ण भावना के विश्व प्रचार के कार्य में भक्तों को बहुत सी कठिनाइयों, मुश्किलातों और खतरों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ सेवा में लगा रहता है, प्रचार के कार्य में लगा रहता है और महान भगवान की भक्ति में अपने आप को नियुक्त करके रखता है, उसको विश्वास होना चाहिए कि भगवान नरसिंहदेव सदा ही हमारे रक्षक हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट होल्ड तक करीब आज हाँ है भाई एक मिनट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें जो श्री प्रभुपाद जी मुख्य बात कह रहे हैं वो ये है कि ये प्रचार के कार्य में बाधाएं आने स्वाभाविक है, और प्रभुपाद जी ऐसे भी कहते थे अगर बाधा नहीं आती है तो आपका प्रचार बलशाली नहीं है। आपका प्रचार अगर सामने वाले सुनने वाले को जो भगवान का विरोधी है उसको भयभीत नहीं करता है, वो आपके विरोध में नहीं कर चलता है, तो इसका मतलब आपका इसका अर्थ है कि आपके प्रचार में अभी वो सत्ता नहीं है। तो इसका भाव ये है कि भगवत भक्तों के प्रचार में बाधाएं डालने वाले सदा होते हैं और भक्तों को विश्वास होता है कि भगवान नरसिंहदेव हमारे रक्षक हैं। इस विश्वास के साथ प्रचार के कार्य में लगा रहना चाहिए। श्री यक्षा उचो हो, अब यक्षों का अधिपति कुबेर है और ये एक दिग्पाल भी है जो दसों दिशाओं में भगवान के प्रतिनिधि देवता दिग्पाल होते हैं। दिग माने दिशा, पाल माने उसका रक्षक। तो एक ये कुबेर जी है। हम बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ कुबेर क्षेत्र है और कुबेर के अनुचर यक्ष वहाँ रहते हैं। कुबेर यक्षों का अधिपति है और इसकी राजधानी भी अब वहीं बद्रीनाथ के ओर है इस वक्त। पहले ये लंका के राजा हुआ करते थे, रावण ने इसको वहाँ से कुबेर जी को रवाना कर दिया। वयम अनुचर मुख्य करम भीष्ट मनोज्ञा ज्ञेय तईह दिति सुते न प्रापिता वहा कवत्वम सत्तु जन परितापम ततकृतम जानत जान जानता इते नरहर उपनीह पंचताम पंचवंशः। इस श्लोक में ये जो पंचताम पंचवंशः नरहर उपनीतः, नरहर का मतलब भगवान नरसिंहदेव, पंचताम पंचदश का अर्थ है 25, 24 तत्व, 25वां आप उसके ईश। पंचताम पंच विशा विमश्य एक आपके स्वामी, तो 24 तत्वों के स्वामी आप भगवान इस दिति के पुत्र ने वयम अनुचरा मुख्य करम भीष्टे मनोज्ञ, हम तो आपके अनुचर हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं, आपके सेवक हैं मुख्य है। और सेवा ही करते हैं कर्म भीष्ट मनोज्ञ
और कैसी सेवा करते हैं? बोला आपकी पसंद की सेवा करते हैं, जो आपको आपके मन को बहुत पसंद आती है ऐसी सेवा करते हैं। हम आपकी मन पसंद सेवा करने वाले आपके मुख्य सेवक हैं। परंतु इस द्वितीय के पुत्र पुत्र ने प्रापिता वहा कहता हूं, इस द्वितीय के पुत्र हिरण्यकशिपु ने हमको कहा कि हमारी पालकी को उठाओ। वहां का त्वम का मतलब है, वाहन का मतलब पालकी। हमसे ये पालकी ढुलवाया था, अपने बैठता था, बोला हमको लेके चलो, हम आपके सेवक हो। अब इन्होंने हमको अपनी पालकी उठाने में लगा था लगा दिया। सतुजम परितापम, और सबको इसने दुख दिया, सबको। सतु उस हिरण्यकश ने जन परितापम तत्कृतम, जन परिताप सारी जनता को बहुत बड़ा दुख दिया। तत्कृतम उसके कारण जानता तो हिंदी का शब्द है जानना। नरहरि आपने इसको पांच तत्वों में मिला दिया, इसका मतलब इसको मार दिया, इसका मिट्टी आकाश वायु सबको पांच तत्व मिला दिया। तो संबोधन क्या करते हैं, हे 24 तत्वों के स्वामी, 24 तत्व पांचवा आप, हम आपके हैं विशेष मुख्य सेवक और आपकी प्रसन्नता पूर्वक सेवा करते हैं, जो आपको बहुत मन पसंद है। परंतु इसने तो अपनी पालकी उठाने के लिए हमको लगा दिया, दित्य के पुत्र हिरण्यकशिपु। अच्छा हुआ नरसिंहदेव के रूप में भगवान, जिसने सारी जनता को सता दिया हुआ था, आपने मारा और इसका शरीर पांच भूतों में विलीन हो गया। हे 24 तत्वों के स्वामी, ये भगवान का एक और नाम है, हम आपके मुख्य सेवक हैं, आपकी मनपसंद की सेवा करते हैं। परंतु इसने हमारे को अपने पालकी ढोने वाले बना लिया, और इस हे नरहरि इसने सारी जनता को दुख दिया। अच्छा हुआ इसका शरीर पांच भूतों में मिल गया। हम तो विशेष आपके प्रसन्नता पूर्वक सेवा करने वाले प्रसिद्ध मुख्य सेवक हैं, आपके भक्तों में हम विशेष हैं। परंतु इसने हमारे को अपना आज्ञाकारी बना लिया और हमसे मजदूरी कराने लगा। अच्छा हुआ आपने इसको मार दिया, जो संसार को सता रहा था। ये 24 तंतुओं के साथ पंचवंशा 25 प्रभुपाद जी उनका वर्णन कर रहे हैं। 24 तत्व कौन है? 10 इंद्रियां, 5 भूत, 5 तन मात्राएं, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये हो गए 24। तो इसलिए इसको पंचवंश कहते हैं, मतलब 24ों के स्वामी। यक्ष लोक के रहने वाले भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, परंतु हिरण्यकश्यपु ने उनको अपने सेवक बना लिया। भगवान के सेवकों का अपना सेवक बनाना अपराध है। सारा जगत संकट में हिरण्यकश्यपु के कारण। बस अच्छा हुआ पांचों तत्वों में इसके शरीर को विलीन करके भगवान ने आप जगत का उद्धार कर दिया, हमको अपनी सेवा में पुनः सेवा करने का अब सौभाग्य प्राप्त होगा। अब हम आपकी सेवा में पुनः लग जाएंगे, और इसलिए क्योंकि अब उनका सौभाग्य पुनः उसको प्राप्त होगा, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री किम पुरुषाः उचुः, किम पुरुष वर्ष के लोग कहते हैं, वयम किम पुरुषाः, त्वं तो महापुरुष ईश्वरः, अयम कुपुरुषो नष्टो धिक्कृत साधु भीर यदा। धिक्कार कहते हैं, धिक्कार किसी को कहते हैं।
वयम किम पुरुषा त्वम तु महापुरुष। अरे भगवान आप महापुरुष महाईश्वर और हम किम पुरुष नाम के तुच्छ व्यक्ति है। किम पुरुष का मतलब क्या पुरुष है क्या इसका मतलब तुच्छ व्यक्ति है। वयम कुपुरुषो अयम कुपुरुषो ये जो हिरण्यकश्यप था ना हम तो किम है ये तो कुपुरुष था ये बहुत ही पापी था सुपुरुष नहीं था कुपुरुष था नष्ट हो गया अच्छा हुआ। ये तो धिकारने योग्य था किसके द्वारा साधु वीर सदा किम पुरुष के लोक के रहने वाले कहने लगे भगवान हम तो हैं तुच्छ कुछ भी नहीं जीव है आप तो हैं महापुरुष आप हैं ईश्वर हम आपको कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु जब साधु भक्तों को धिकारते हैं निंदा करते हैं तब आप उस असुर का निश्चित रूप से वध करते हो। इसका मतलब असुर के वध के लिए साधु के द्वारा उसका धिकारना साधु कब धिकारेगा जब साधु का अपमान करेगा और वो भगवान से सहा नहीं जाता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान के अवतार का कारण यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधु नाम दो श्लोक दिए कि भगवान के अवतार का मुख्य कारण है साधु का संरक्षण। साधु के साथ कोई अन्याय करेगा भगवान से सहा नहीं जाता उसके लिए तो तत्काल ही भगवान प्रकट होने के लिए खंभे से भी तैयार कहीं से भी प्रकट हो सकते। तो भगवान ऐसे अपने भक्तों के संरक्षण के लिए कई बार अवतार लेते हैं तब असुरों का संहार भी साथ साथ में कर लेते हैं। जो प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों में चलने वाले भक्त हैं उनकी रक्षा तो भगवान निरंतर करते रहेंगे उसका असुर कुछ नहीं बिगाड़ सकते और भक्त उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो प्रहलाद महाराज के चरण चिन्ह क्या है सुमरण भक्ति। प्रहलाद महाराज सुमरण भक्ति का आचार है आचार्य है उसका सुमरण ऐसा है किसी क्षण नहीं भगवान को भूलता भगवान की याद सदा बनी रहती। और यही हमारी साधन भक्ति का मुख्य एकमात्र सूत्र है कि कभी भी भगवान को न भूलो। सर्वत्र सर्वत्र सुमर्तव्यम विष्णु सदा ही भगवान विष्णु का सुमरण रहे न विस्मरे तक जातुचित कभी भी विस्मरण न हो। पहला विधि है दूसरा निषेध है। सदा भगवान को याद रखना नेम है कभी नहीं भूलना ये निषेध है। जितने शास्त्रों के नेम हैं जितने विधि निषेध है सब इसके सेवक है। ये एक नेम पालन करने वाले को और कोई नेम पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और प्रहलाद महाराज इस सुमरण भक्ति के आचार्य हैं कैसी किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलते। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों को अपने प्रचार के कार्यों और सिद्धांतों में स्थित रहना चाहिए। भगवान के सेवक को यह विश्वास कर लेना चाहिए कि असुर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उसकी भक्ति में कभी भी बाधा डाल के रोक नहीं सकते। कितना संकट 5 वर्ष के बच्चे प्रहलाद के ऊपर उसके पिता ने दिया वो भी बड़ा शक्तिशाली जिससे ये सारे देवता भयभीत थे उससे वो छोटा बालक भयभीत नहीं था किसी भी भय से भयभीत ना हुआ। भगवान भगवान निर्भय देव प्रदान करने वाले हैं तो भय कहां से आएगा।
अभय चरण, भगवान के चरण कमलों का सुमरण करेगा वो भय से सदा मुक्त रहेगा। श्री वित्तल वित्तला वित्तालिका वाच, ये वित्तल लोक, सूतल सूतल लोक तो बलि महाराज का, उसके नीचे वित्तल लोक है, तो वहां के वित्तल लोक के निवासी कह रहे हैं, सभासु सत्रेषु तवामलम यशो घीत्वा सपरयाम महतिम लभामहे यस्ताम अनैषीद वसम एष दुर्जनो द्विष्ट्या हतस्ते भगवन यथामयो। सभासु सभाओं में, सत्रेषु यज्ञों में, तब अमलम यशो गीतवा, हम आपके अमल यश गाते हैं। जहां भी सभा हो, जहां भी कोई यज्ञ का सत्र हो, कथा कीर्तन हो, वहां हम आपका अमल यश गाते हैं, पवित्र जश गाते हैं। सपर्याम महतीम लभामय, और जहां हम ये कार्य करते हैं सभी लोग हमारी महिमा गाते हैं, हमारे को बड़ा आदर करते हैं कि आप भगवान के उत्तम चरित्र को गाने वाले हो, हमारे को बड़ी प्रशंसा प्राप्त होती है। यस्ताम अनैषीद वसम एष दुर्जनो, अनैषीत इसने हमको अपने बस में कर लिया, अनैषीत वसम, इसने जबरदस्ती हमारे को अपने वस में कर लिया, ये दुर्जन है, सज्जन नहीं है, दुर्जन है, दुष्ट है। द्विष्ट्या, द्विष्ट्या हत, बहुत भाग्य की बात है कि आपने इसकी हत्या कर दी। कैसे उदाहरण दे रहे हैं भगवान, यथा आमय, आमय कहते हैं रोग को, ऐसा रोग हो जैसे पांव सड़ गया है तो उसको काट देना चाहिए, ऐसे आपने ये संसार के समाज के रोग का चिकित्सा कर दी। तो वीताली का लोक के रहने वाले कहने लगे कि हम तो आपके अमल यश को सभाओं में और यज्ञशालाओं में गाते हैं और लोग बड़ा हमारा आदर करते हैं, इस असुर ने हमारे इस कार्य में बाधा डाल के अपने बस में कर दिया, इसका मतलब हमारे से अपने जैसे वलवा गाने के लिए हमको मजबूर करता था, बाध्य कर देता था। हमारा अभी सौभाग्य है कि आपने इसको मारा है, जैसे किसी पुरानी बीमारी का आपने चिकित्सा करके निदान कर दिया। वीतल लोक के निवासी कहने लगे, जो हमारे को लोग सम्मान देते हैं वो सम्मान ये लेने लगा, इसका मतलब हमारे को उस काम से इसने हटा दिया, अपने वश में कर दिया। दी किनरा ऊंचो हो, अब किन्नर लोग के नागरिक प्रार्थना कर रहे, वयमीश किन्नर गणास्त्वानुगा दितिजे नविष्टिम अनुमानुकारिता भवतारे सावृजनो अवसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव। वयमीश किन्नर गणा तव अनुगा, भगवान हम जो किन्नर गण हैं वो आपके अनुगामी हैं। आपके अनुगामी है क्या मतलब, आपके विश्वास पात्र सेवक हैं। दितिजेन विष्टम, इस दिति के पुत्र ने विष्टम, विष्टम का अर्थ है किसी से सेवा लेना और उसको मजदूरी नहीं देना। विष्टम का मतलब है, अर्थ है बिना तनख्वाह के काम कराना। हमसे सेवा लेता था दिति का पुत्र विष्टम, कुछ देता नहीं था। अमूना अमूना, और इस प्रकार से अनुकारिता, हमको कहता काम करो, बेगार में काम करो, बेकार में, इसको बेगार कहते हैं, कुछ देना नहीं, मुफ्त में काम करो।
भवता हरे च विरजनो, आपने अच्छा किया है इस पापी को, विरजन को, विरजनो इस पापी को अवसादितो, इसको नाश कर दिया। ये नरसिंहनाथ, ये हमारे स्वामी नरसिंह विभवाय न भव, अब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, वैभव आपका सदा, भगवान आपका वैभव देख के हम प्रसन्न और आप हमारे ऊपर प्रसन्न। किन्नर कहने लगे, हम तो आपके सर्वदा विश्वास पात्र सेवक हैं, आपकी सेवा को बंद करा के इस असुर ने अपनी सेवा में लगाया और कुछ सेवा का, सेवा के बदले में कुछ हमको नहीं दिया। इसका अर्थ यह कि भगवान की जो सेवा करता है, भगवान निश्चित रूप से उसको कुछ देते, आशीर्वाद देते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। संसार का धन क्या देंगे, लेकिन निश्चित रूप से भगवान की कृपा होती है। परंतु ये तो कुछ नहीं देता था, ये बड़ा पापी था, अच्छा हुआ इसको आपने मार लिया। हे नरसिंहदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, अब आप हमारे जैसे पहले संरक्षक थे ऐसे संरक्षक बने रहो और हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाओ। तो विष्टम का अर्थ है बिना बिना तनख्वाह के, बिना वेतन से के काम कराना, और अनु का मतलब सारा दिन रात हमसे काम कराता है, और विरजन का मतलब है जो दूसरे को दुख दे। अब विष्णु दूत कह रहे हैं, और ये विष्णु दूतों की प्रार्थना है असल में, वास्तव में। श्री विष्णु पार्षदा उच हो अदैत हरि नर रूप अद्भुतम ते, अद्य आज एतद ये हरि नर रूप अद्भुतम, आपने ये भगवान हरि जो नरसिंह रूप लिया है ये बड़ा अद्भुत है। आज अद्य, अद्य का मतलब आज, आज जो आपने ये नर हरि रूप लिया है बड़ा अद्भुत है। दृष्टम नह शरणत सर्वलोक शर्मः, दृष्टम न हमने देखा, दृष्टम हमने ये रूप आपका देखा, न हमने देखा शरणद सर्वलोक शर्मः, ये तो सारे लोगों के शरण लेने के लिए है, ये सारे संसार का कल्याण करने वाला रूप है। शरणदा, शरण देने वाला है ये, शरणदा आपका ये रूप शरण देने वाला है, किसको, सर्वलोक को, और सर्वलोक का करेगा शर्म, सर्वलोक का कल्याण करेगा, सारे जगत के सब लोगों का कल्याण करेगा, ब्रह्मांडों का कल्याण। सह अयम भगवान, आपने सह अयम ते आपके द्वारा भगवान विधि करा, अब ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, सो अयम ते विधि कर ईश विप्रशापता, और ब्राह्मण चार कुमारों ने शाप दिया था और आप विधि कर, विधि कर का अर्थ है विधि कर, ये आपके आज्ञाकारी थे, सेवक थे, आपके विधानों का पालन करते थे, आपके दरवाजे के ऊपर खड़े ये द्वारपाल थे, परंतु ईश हे स्वामी विप्रशाप शपतास, ओ विप्रु ने चार कुमारों ने इनको शाप दिया। तस्येदम निधनम अनुग्रहाय विद्मः, हम जानते हैं आपने जो इसका उद्धार किया ये तो आपका अनुग्रह है, ये कोई शत्रु नहीं था आपका, आपके पार्षद ही थे, ब्राह्मण के साप से यहाँ आए थे और आपने वचन दिया था इनको लेने आने का, तो ये आपने इनके ऊपर अनुग्रह किया है। देखो ये है वैष्णव की प्रार्थना, बड़ी अद्भुत, सब देवताओं से विलक्षण प्रार्थना है।
विष्णु के पार्षद जो वैकुंठ से आए थे वो कहने लगे, यहां प्रभुपाद ने कहा वैकुंठ में प्रार्थना करने लगे, आप ही शरण देने वाले हैं, हम आज देख रहे हैं आपके इस अद्भुत नरसिंह देव के रूप को जो जगत के लिए कल्याण का कारण है। हम जानते हैं हिरण्यकशिपु जय और विजय थे, ये जय था, वही जय है ये, और ये आपका सेवक था जिसको ब्राह्मणों ने श्राप दिया था और उसके कारण इसको असुर का शरीर मिला, और हम ये भी जानते हैं कि आपने इसका उद्धार करके इसके ऊपर अति अनुग्रह किया है, महान कृपा की है। हिरण्यकशिपु आपका सेवक था विधि कर, जिसको कुमारों ने शराब दिया था। प्रभुपाद लिखते हैं हिरण्यकशिपु इस धरती पे भगवान के शत्रु के रूप में आया, ये भगवान की अपनी योजना के अनुसार था, लीला के अंतर्गत था। ये जय और विजय दोनों को चार कुमारों ने शराब दिया था, कहा 7 बार जन्म लो धरती पे, परंतु उन्होंने कहा इतना समय हूं भगवान से दूर नहीं रह सकते, तो कहा फिर 3 बार असुर का जन्म लेना पड़ेगा। बोला ठीक है 3 बार हम असुर बनेंगे और फिर वापस वैकुंठ में आएंगे। तो जय विजय को बड़ा दुख हुआ, तो वो 3 बार असुर हुए, वो इस विश्वास के साथ कि भगवान ने कहा था हम आपको वापस लेने आएंगे और वापस आप हमारे धाम आ जाना, तो इसलिए भगवान की आज्ञा से वो असुर के रूप में 3 जन्म उन्होंने लिया, हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंडवक्त। अब ये दोनों मारे गए, विष्णुदूत इस बात को जानते थे कि भगवान इनके ऊपर बड़ी कृपा की है, ये विशेष कृपा है, यहां हमारा ये अध्याय पूरा होता है। अब हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं नरसिंह देव को, उससे पहले नारद जी कहेंगे, वैसे नारद जी कहेंगे हमको भी कहता था कि हमारे गुणगान करो, तो हम तो यही कहते थे हम जानते हैं कि आप जय विजय हो भगवान के पुराने सेवक, तो हमको इनका गुणगान करना पड़ता था। वो नारद जी कहते हैं इतने सारे देवताओं की प्रार्थना से भी भगवान जब प्रसन्न नहीं हुआ तो फिर लक्ष्मी जी को आगे भेजा, लक्ष्मी जी आगे नहीं गई तो प्रहलाद को प्रार्थना की, सबने प्रहलाद का आपके लिए अवतार लिया है आप जाके इनको शांत कीजिए। तो कल यहाँ से आगे प्रहलाद की प्रार्थनाओं का श्रवण करेंगे। कौन से श्लोक से प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं शुरू होती है? क्रोध भक्त द्वेषी जन, हाँ जी 8वां श्लोक है प्रभु। हाँ तो बस 8 तो कल से करेंगे इसकी शुरुआत, आज मेरे ख्याल में काफ़ी लोग आ जा रहे हैं तो थोड़ा हो रहा है, तो आज इस कथा को आज विराम यहीं देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कल कर लेंगे। ओके कोई है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये दिल्ली से आए हैं इनको वापस जाना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।